हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देखें, ये अभी इसकी आइस बंद है, ठीक है। तो इसी तरह इसको खिलाना होता है, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी चूँस पे ऊपर लगाना होता है, चूँस पे लगा के फिर इसके पंजों के ऊपर लगाना होता है। तो फिर अगर ये भूखा होगा तो फिर ये ज़रूर खाएगा। तो ये मैंने इसको अभी छोटी डव दी है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये अभी आराम से खा रहा है, ठीक है, क्योंकि सुबह का भूखा है। तो इसी तरह इसको खिलाना होता है। तो ये देखें, मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी हवा चल रही है थोड़ी। तो ये आज इसकी फर्स्ट टाइम क्लोज आइज के साथ गोश्त खा रहा है। वही यार, मक्खी तंग कर रही है बहुत। तो ये ख्याल करना है कि इसके जो मुंह में हड्डी ना जाए, ठीक है, हड्डी इसको फिर नुकसान हो जाएगी। इसके आइज ओपन होते हैं फिर तो हड्डी नहीं जाती ना इसके मुंह में। तो बाकी और सुनाएं क्या हाल है सब दोस्तों का, ठीक है। जो भी और सीनियर हंटर मेरे वीडियो देखते हैं, उनके फिक्र कैसे जा रहे हैं उनको तकरीबन। तो अभी तो जिनकी जिन जिनके पास सीज़न स्टार्ट में शिकरा जिन्होंने पकड़ा था ना, तो उन्होंने हंटिंग पे भी लगा दिया, उनका हंटिंग कर रहा है। एक मिनट, ये देखें, एक फाख्ता जो छोटी अंडा वो इसने ख़त्म कर लिया, ठीक है। एक और फाख्ता पड़ी है, तो उसको फिर मैं साफ़ करके फिर इसमें खिलाता हूँ, ठीक है। तो तीन चार दिन मैं इसको पेट भर के खिलाऊंगा, क्योंकि इसकी जो भी थोड़ी बहुत कमज़ोरी है वो पूरी हो जाएगी। ये ठीक है, तो इसकी जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है वो पूरी हो जाएगी। तो फिर जब इसको इसकी आंखें खोलने का टाइम आएगा एक दो दिन पहले, तो फिर इसकी जो डाइट यानी खुराक है वो कम कर दूँगा। तो मैं इसने ख़त्म कर लिया, तो जल्दी से फिर मैं एक और फाख्ता को मारी भरी पड़ी है उसको साफ़ करता हूँ, साफ करके फिर इसको खिलाता हूँ। तो ये देखें, ये भी ये उस ग्लव के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो जब मैं उसे दूसरे बटेर को फाख्ता को उठाने गया हूँ ना, तो फिर भी ये ग्लव के ऊपर चूँचे मार रहे थे, यानी कि अभी भी ये भूख है। तो ये पड़ा है दूसरे फाख्ता, ठीक है। ये अभी इसको खिलाते हैं, ये देखें अभी एक मिनट, ये थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है मूड। मैं इसको हाथ में उठाता हूँ, हाथ में उठा कर फिर इसको करता हूँ। तो ये देखें, ये दूसरी डव है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा भूखा है कि एक डव खा गया मुकम्मल विंग लेग समेत। तो ये अभी दूसरी डव को दोबारा खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको मैं भूख कम नहीं होने दूँगा, जितनी हो सका इसको पेट भर के खिलाऊंगा, ताकि अपनी जो कमज़ोरी वगैरह है वो पूरी कर ले। तो कल इंशाल्लाह इसको मैंने दूंगा। एक ख्याल रखना है कि जब भी नया परिंदा ट्रैप करना, शिकरे वगैरह बादशाह बाग जो हो गया वो सब, तो उसको एक करना है कि डेली एक खुराक नहीं देनी। एक दिन पर डब हो गई, दूसरे दिन बटेर हो गया, बटेर फार्म में ना हो, देसी हो, ठीक है। तो दूसरे दिन बटेर दे देना है, फिर तीसरे दिन मैना, और फिर इसी तरह यानी कि दो दिन एक ही खुराक नहीं देनी, चेंज करके देनी है रोज़ाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।